हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं एमपी स्टेट सिविल कॉर्पोरेशन सप्लाई कॉर्पोरेशन में यहाँ दोस्तों एक ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के अंतर्गत सहायक की पदों हैं हेतु वैकेंसी आई हुई हैं। और इसमें सहायक के लिए आपको बता दें 14 पद हैं जो कि बैकलॉग के अंतर्गत निकले हुए हैं और इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों बैकलॉग के अंतर्गत निकले हुए हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं कि कैटेगरी वालों को ही इसमें फायदा रहता है, लेकिन इस बार जनरल में भी आपको 5 पद देखने को मिल रहे हैं और मेल के अंदर और फीमेल में 1 पद देखने को मिल रहा है। तो टोटल आपको बता दें इस तरह के आपको एक प्रकार से 6 पद हैं यहाँ पर। वेतनमान की बात करें तो 25,300 से लेकर 80,500 ये जो है लेवल रहता है, ये लेवल 6 में आता है एमपी गवर्नमेंट के। इसके बाद अगर हम बात करें 14 नंबर पे योग्यताओं की बात करें, इसमें जो योग्यता क्या रहती है, अगर बात करें सहायक के लिए तो सहायक के लिए जो योग्यता रहती है वो आपको नॉर्मल ग्रेजुएट होना चाहिए प्रथम श्रेणी के अंतर्गत, और इसमें आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए होता है। ठीक है, 1 वर्षीय डिप्लोमा जो है वो इसमें लग जाएगा। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए अच्छे से, कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक बीसीए एमसीए के अभ्यर्थियों को डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं रहेगी, पीजीडी से डीसी की इसमें आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें आपको केवल एक विषय जिसमें शामिल रहेगा वो बीएससी बीकॉम और अन्य उपाधि जिसमें कंप्यूटर एक विषय के रूप में शामिल है वो मान्य इसमें नहीं होगी, ये पहले ही इन्होंने लिख के रख दिया है। लेकिन इसमें संकाय कौन सा, आपको कोई सा भी संकाय स्नातक चल जाएगा और प्रथम श्रेणी में होना चाहिए, 60% से ऊपर इसमें होना चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म में अपनी योग्यता दे पाएंगे। पोस्ट कोड नंबर 155 और पोस्ट कोड नंबर 156 की बात करें तो इसमें क्या है, ये भी बैकलॉग के अंतर्गत है, लेकिन इसमें भी आपको बता दें कि कैटेगरी में के अलावा तो पोस्ट है ही है, जनरल में भी पोस्ट इसमें देखने को मिल रही है, 3 पद हैं। ठीक है, और अगर बात करें इसमें जो महिला संविदा कर्मियों के लिए, तो संविदा कर्मियों के लिए भी इसमें पोस्ट का आवंटन इसमें हुआ नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन इस वाले में क्या है, ये जो सेकंड पद है कनिष्ठ सहायक, इसमें आपको संकाय जो भी आपका रहेगा उसमें द्वितीय श्रेणी भी मान्य होगी, और साथ ही साथ इसमें आपको सीपीसीटी स्कोर कार्ड जो है वैलिड वाला होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले में भी हम आपको बता दें कि सीपीसीटी आपको इसमें होना जरूरी है, सीपीसीटी अगर आपके पास है 2018 यानी कि आपको हिंदी होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये हम डिकोड करके बता देंगे कि 7/4/2018 को क्या था सीपीसीटी के बारे में, तो इसमें हिंदी से आपका कम सीपीसीटी जो है एक विषय के साथ वो चल जाएगा इसमें, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों है तो जो अच्छी बात है, लेकिन अगर हिंदी है तो भी चल जाएगा इसमें, आप इस पोस्ट प्रेफरेंस को दे सकते हैं अपने योग्यता के क्रम में। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि परीक्षा प्रो आपके लिए लेकर आया है सभी टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के अंतर्गत और ग्रुप फोर के अंतर्गत, उसके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज लाया है। इसमें व्यापम, एसएससी, डिफेंस, रेलवे सारे एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। टोटल टेस्ट 5,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और आपको देखे सवाल मिलेंगे। आपको हमारा कोड लगा करके 40% का ऑफ मिलेगा, SEK50 कोड का आप यूज़ करिए और 40% का ऑफ प्राप्त करेंगे। आपको 300 रुपये में 1 साल का मिल जाएगा, जिसमें आप अनलिमिटेड अपने टेस्ट लगा सकते हैं, एसएससी के भी, रेलवे के भी, व्यापम और बीपीएससी के भी। ठीक है, और आप इसे लगाने के बाद अपने तैयारी को जांचिए और अपनी तैयारी को नया आधार दीजिए, साथ ही साथ अपनी सब तैयारी को देने के साथ अपनी जो सफलता है उसे सुनिश्चित करिए। ठीक है दोस्तों, एमपी स्टेट सिविल कॉर्पोरेशन का काम की अगर बात करें तो इसके बारे में हम बता दें कि ये जो है मध्य प्रदेश, ये कंपनी है और ये जो स्टेट सिविल स्टेट सप्लाई कॉर्पोरेशन, ये मध्य प्रदेश कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख आपूर्ति और खाद्यान्न वितरण की कंपनी है। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल कॉर्पोरेशन की जो है लिमिटेड द्वारा, इसके द्वारा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में से जो गेहूँ है और धान है, मोटा अनाज जिसका उपार्जन किया जाता है, उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इसमें जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है किया जाता है, मतलब इसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, उसको उपार्जन करने का काम है। ठीक है, उसको सप्लाई करने का काम है। उसके अलावा अगर बात करें हम तो दोस्तों सहायक और कनिष्ठ सहायक के लिए इसमें वर्क प्रोफाइल जो होती है वो आपको बता दें नॉर्मली होती है, कंप्यूटर पर होती है, इसमें कोई भी दिक्कत तो इसमें आपको अलग से नहीं करनी पड़ती, मतलब सब आपको कंप्यूटर पर काम रहता है, कोई विशेष इसमें काम नहीं रहता है, काम का लोड भी इसमें नहीं रहता है, नॉर्मल आप समझ सकते हैं एक असिस्टेंट का जैसा काम होता है। लेकिन इसकी आपको पता है जॉब स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है इसमें। ठीक है, और सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो है हर साल ग्रुप टू सब ग्रुप फोर में वैकेंसियाँ आती ही रहती हैं, तो यहाँ पर नियमित रूप से जो है काम सुचारू रूप से चालू रहता है। ठीक है, इसका काम यही है, जो भी मोटे अनाज, मतलब जो भी अनाज है उनका वितरण करना, खरीदी करना, ये सब काम होता है एमपी गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, तो इसके अलावा बता दें इसमें जो फॉर्म है वो 5 जनवरी से भराएंगे और 200 नंबर का पेपर रहेगा। ग्रुप टू सब ग्रुप फोर वाले नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, 18 से 40 एज लिमिट है, महिलाओं के लिए 18 से 45। इसके अलावा बता दें आपको फॉर्म कि जो इसकी परीक्षा का दिनांक है वो 15 जनवरी से रहेगी। ठीक है, इसके अलावा भी आपको बता दें इसको पोस्ट कोड से रिलेटेड भी हमें हम जो है वैकेंसी के लिए जितनी वैकेंसी हैं ग्रुप टू सब ग्रुप की एक पोस्ट प्रेफरेंस की वीडियो ला रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल और इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।